हे गाइस, दिस इज खत्री हियर। गाइस, हमारे सभी के फ़ोन में ऊपर फ्रंट कैमरे के साइड में हमें दो सेंसर देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस सेंसर का यूज़ किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि उस सेंसर का किस तरह से यूज़ हो भी सकता है। जी हाँ, ये दो सेंसर की मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस, ये ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप उस सेंसर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मूवर होल्ड, स्लाइड वंस और स्लाइड ट्वाइस की हमें यहाँ पर जो है तीन चीज़ देखने को मिलती है। हम इस एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो स्लाइड वंस दिया है, इसे सबसे पहले मैंने ऑन किया और यहाँ पर जैसे कि लिखा है क्रोम, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पर आपको शो होंगे। करना आपको बस इतना ही है, इसमें से आपको कोई भी एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी सिलेक्ट किया है YouTube। तो जैसे ही YouTube को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें उसके अंदर की सारी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है, जैसे कि लॉन्च हुआ, सेटिंग्स हुआ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया डिफ़ॉल्ट पे और इसे कर दिया ओके। गाइस, हमें अब नीचे की साइड पे इस तरह का कुछ प्ले बटन जैसा कुछ दिखेगा, यहाँ पे इसको टच करते ही ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, वरना ये स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ आता है कंट्रोल स्टार्टेड, अब बस करना आपको इतना ही है, इस सेंसर के पास जाइए और यहाँ पर जो है एक बार स्लाइड करिए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो यूट्यूब ओपन हो चुका है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मेरा एक स्लाइड करने से यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर होवर होल्ड की। तो यहाँ पर आपको करना इतना है कि बस जो सेंसर के सामने की साइड आपको आपका जो हाथ है वो आपको होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रोम ब्राउज़र ओपन करते ही हमें यहाँ पर जैसे कि अंदर की एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर भी हम रखते हैं डिफ़ॉल्ट या तो फिर मेन। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया मेन और वापस आपको टच करना है उस प्ले बटन पे, जैसे कि वो स्टार्ट हो जाए। अब जैसे ही यहाँ पर हम सेंसर के आगे जो है वो होल्ड करते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर जो है वो क्रोम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन हो चुका है। उसी तरह यहाँ पर जो हमें तीसरा ऑप्शन मिलता है वो है स्लाइड ट्वाइस का। यहाँ पर भी जो है प्रोसीजर सेम है। यहाँ पर भी आपको जाना है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में जाते ही हमें देखने को मिलेंगे वही सारे एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल है। वहाँ पर जाके आप, जैसे कि मैंने इंटरनेट पर ओपन किया तो यहाँ पर भी अंदर की एक्टिविटीज़ हमें शो हो रही है। यहाँ पर रखा मैंने डिफ़ॉल्ट और ओके करते ही आपको कर देना है स्टार्ट। अब ऊपर के सेंसर पे आपको जाके जो है आपकी उंगलियों को डबल स्लाइड करनी है। जैसे ही स्लाइड करते हो यहाँ पर जो है वो इंटरनेट ओपन हो चुका है। तो गाइस, ये थी वीडियो जिसमें आपने देखा कि आप किस तरह से सेंसर का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि आप किस तरह जो है वो सेंसर का यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।